दोस्तों, मेरा नाम है जसविंदर और सिंह आर्चरी के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेडिशनल आर्चरी में अगर आपको सही रिजल्ट लेना हो तो उसके लिए आपको बढ़िया धनुष, उसके साथ बढ़िया स्ट्रिंग और धनुष के साथ मैचिंग करता हुआ, उसके साथ मेल खाता हुआ आपको तीर बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर तीर और कमान का मेल सही नहीं होगा तो ना तो आपका निशाना सही लगेगा, ना ही आप अपनी आर्चरी का, अपनी धनुर्विद्या का लुत्फ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से बने हुए वुडन एरोस, यानी कि लकड़ी के बने हुए तीर, जिन्हें बनाकर हमें भेजा है मिस्टर हैरिस बल्तिस्वास्तास ने ग्रीस से, और वो बहुत बढ़िया एरो मेकर हैं। इसके अलावा वो लेदर का काम भी करते हैं और टेनर्स कैबिन नाम की वो अपनी कंपनी चला रहे हैं ग्रीस में। तो दोस्तों, आइए आपको वो तीरों के दर्शन तो कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि तीर ऐसी नाजुक चीज़ है, इसे अब अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो उसका बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हैरिस ने जब मेरे को पहले तीर भेजे, वो तीर रास्ते में आते आते टूट गए, यानी कि जो पोस्टल वालों ने इतनी बुरी तरह से उसको हैंडल किया कि वो तीर मेरे पास सही तरीके से पहुँच ही नहीं पाए, और उस वजह से मुझे तो दुख हुआ, हैरिस को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने मेहनत की थी और हैरिस इतना बढ़िया आदमी है कि उसने दोबारा मेरे को तीर बनाकर भेजे और वो तीर इस बार सही तरीके से पहुंच गए। आइए आपको सबसे पहले उसकी मैं अनबॉक्सिंग दिखाता हूं कि वो तीर हमारे पास कैसे पहुंचे और वो किस हालत में है, वो कैसे तीर है। उसके बाद मैं उसको उसके बारे में आपको उन तीरों के बारे में मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है पैकेज जो मुझे मिस्टर हैरिस ने भेजा है ग्रीस से, और वैसे सब कुछ इंटैक्ट है, कुछ टूटा फूटा तो नहीं दिख रहा बाहर से। अब देखते हैं अंदर सूरत हाल कैसा है इसका। यहाँ से ये सील्ड है, यहीं से हम इसको खोलेंगे। ओके, इस बार सब सेफ है। आप देख सकते हैं कितने सेफ्टी का इंतजाम किया उन्होंने, सभी बिल्कुल सेफ पहुंच गए हैं तीर, पिछली बार की तरह टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, इस बार बिल्कुल ठीक हैं। वेल डन मिस्टर हैरिस, दिस टाइम यू हैव टेकन वेरी मच केयर, वी लर्न फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो पिछला तजर्बा कुछ बढ़िया नहीं था, इस बार इन्होंने बढ़िया इन्होंने तीरों का इंतजाम करके भेजा है ताकि मेरे पास सेफली ये सुरक्षापूर्वक पहुंच जाए। ये बात मुझे क्या लगी है, ये ग्रीस से आया है पैकेज तो इसमें स्टैम्प्स बहुत लगी हुई हैं, और स्टैम्प्स मेरे स्टैम्प कलेक्शन मेरा एक हैबी रही है पुरानी, जिसे मैं आज भी स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे अलग अलग तरीके की स्टैम्प्स भी मिल गई हैं। थैंक यू मिस्टर हैरिस। जो भी हमने अनबॉक्स किए और इनके बारे में बता देता हूँ आपको, ये जो इनकी लंबाई है वो 30 इंच की है, और इसमें जो फेदर्स लगे हुए हैं, जो फ्लैचिंग्स हैं, वो टर्की फ्लैचिंग्स हैं, टर्की बर्ड की,
और बहुत बढ़िया तरीके से कटिंग है इनकी, पैराबॉलिक डिज़ाइन की ये मैंने ऑर्डर किया था इनको, तो वो पैराबॉलिक डिज़ाइन की ये फ्लैचिंग्स हैं, प्लास्टिक के नॉक्स हैं इस पर, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी के। और यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिंग वर्क किया हुआ, इसको ट्रेडिशनल डिज़ाइन के हिसाब से इन्होंने स्ट्रिंग वर्क किया हुआ, बिल्कुल स्ट्रेटनेस बिल्कुल बढ़िया है इसकी। आगे फील्ड पॉइंट्स इन्होंने आयरन के यानी कि लोहे के फील्ड पॉइंट्स दे रखे हैं। दोस्तों जो ये तीर मंगवाए थे हमने वो 40 से 45 LBS के बीच के जो बोज हैं उनको यूज़ करने के लिए मंगवाए थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर 40 और 45 LBS के बोज यूज़ करता हूँ, तो मैं और वो जनरल बोज भी होते हैं, तो कंपटीशन वगैरह में भी मैं करीबन 40 या 45 LBS के बोज ही इस्तेमाल करना ठीक समझता हूँ। और ये जो एरोज़ हैं ये सिंपल उनके सिंपल एरोज़ में माने जाते हैं, लेकिन सिंपल एरोज़ भी कितने बढ़िया हैं वो भी हम आगे देख लेते हैं। आइए सबसे पहले मैं इसका वेट चेक कर लेता हूँ। दोस्तों एरो का वेट है 30 ग्राम, बाकी एरोज़ को भी चेक कर लेते हैं। 30 ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम। दोस्तों यही एक अच्छे प्रोफेशनल एरोमेकर की खासियत होती है कि जब हम ऑर्डर करते हैं उसको तो वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि सभी एरोज के वेट वो बराबर हो। और उस दोस्तों अभी हमने सभी तीरों का वजन चेक किया है जो कि 30 ग्राम बनता है, तो हम इसको इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं। दोस्तों जो लकड़ी का शाफ्ट है इसकी जो लंबाई है वो 29 इंच की है, लेकिन ये नॉक और पॉइंट लगने के बाद ये 30 इंच की बन जाती है, तो ये जो इसकी ओवरऑल जो लेंथ है जो पूरी लंबाई है इसकी तीर की वो 30 इंच की है, और इसकी जो मोटाई है वो 5/16 कहा जाता है शेफ्ट को, यानी कि करीबन 8 mm का ये शेफ्ट है। ये सभी शेफ्ट जो हैं वो 8 mm के हैं, वजन इनका 30 ग्राम है। दोस्तों अगर हम इसको ग्रेन्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 463 ग्राम इसका वजन बन जाता है, 463 ग्रेन्स। दोस्तों इन तीरों की जो मैचिंग है वो 40 LBS से लेकर 46 LBS तक के धनुष के लिए ये बनाए गए हैं। दोस्तों भारी वजन का जो तीर होता है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता किसी धनुष को, हाँ लाइट जो हल्के तीर होते हैं वो ज़रूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों को पसंद रहता है कि हमें स्पीड ज़्यादा निकालनी है, वो स्पीड के लिए वो हल्के जो तीर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 10 GPI के हिसाब से अगर हम इसका मापदंड देखें तो ये बिल्कुल ठीक है 45 LBS के लिए। तो दोस्तों आइए अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं।
दोस्तों जो लोग आमतौर पे आर्चरी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल आर्चरी कर रहे हैं, वो तो किसी भी तरीके का मार्केट से तीर लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं और प्रोफेशनल आर्चरी में, ट्रेडिशनल आर्चरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए तीरों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये जैसे ये वुड का बना हुआ, ये लकड़ी का बना हुआ तीर है, तो ये प्रोफेशनल एरो मेकर ने ही बनाया हुआ है, तो उन चीज़ों का एरो मेकर हमेशा ख्याल रखता है कि उसे उसके जो आर्चर है जिसको वो तीर बना के दे रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस तरीके का धनुष इस्तेमाल कर रहा है, और उस धनुष के साथ मैचिंग जो है उसके मेल खाता हुआ तीर वो बना कर देते हैं। तो मेरी उन लोगों से यही सलाह है कि जो प्रोफेशनल आर्चरी में जाना चाहते हैं या कॉम्पिटिशन्स वगैरह में लड़ना चाहते हैं, तो वो प्रोफेशनल एरो मेकर से बनवाएं, किसी भी प्रोफेशनल एरो मेकर से बनवा सकते हैं, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। अगर कोई टेनर कैबिन से बनवाना चाहता है, यानी हैरिस से बनवाना चाहता है, तो वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, फेसबुक के जरिए आप उनसे संपर्क बना सकते हैं, और इस तरीके के एरोस और भी अलग तरीके के वो बनाते हैं, जैसे बैरल एरोस वगैरह भी हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों एरोस के ऊपर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों सिंह आर्ची को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।